ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस या डायग्नोसिस जहनी और जिस्मानी दोनों ही तरह की सेहत के लिए बहुत स्ट्रेस का बायस बनती है, और उसमें इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि ना सिर्फ आप जिस्मानी इलाज करवाएं बल्कि जहनी सेहत को भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आपकी जहनी सेहत जितनी बेहतर जितनी अच्छी होगी आपकी जिस्मानी रिकवरी में उतनी ही आपको मदद मिलेगी। चूँकि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज बहुत लंबा चलता है आमतौर पे, सो कभी कभार शुरू में स्ट्रेस की अलामतें आ सकती हैं और कभी कभार जैसे जैसे टाइम गुजरता है स्ट्रेस या डिप्रेशन की अलामतें आ सकती हैं, ना सिर्फ मरीज़ को बल्कि उनके घर वालों को भी, तो सभी लोग मुतासर हो सकते हैं। इब्तदाई मरहलात में अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आप बहुत फ़िक्रमंद या बेचैन महसूस कर रहे हैं, सो उसमें हम कुछ सेल्फ़ हेल्प या ख़ुद की मदद की स्ट्रैटेजीज़ रेकमेंड करते हैं, जैसे कि एक रूटीन पे रहना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, कुछ हल्की फुल्की वर्जिश जितनी भी आपकी जिस्मानी सेहत इजाज़त देती है करना, भले आप वॉक कर लें आधा घंटा पौना घंटा, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। घर में ज़ाहिर है कैंसर का तशखीस होती है तो स्ट्रेस होता है, लेकिन उस स्ट्रेस के होते हुए बाकी स्ट्रेस से बाकी तनाव से जितना दूर रह सकें उतना अच्छा होता है। आपस में मिलजुल के रहना, एक दूसरे से शेयर करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। हमारे यहाँ कुछ इस कस्म का रिवाज होता है कि हम मरीज़ को तशखीस नहीं बताते हैं, सो ये चीज़ मरीज़ टू मरीज़ वेरी करती है। अगर पेशेंट जानना चाहता है तो घर वालों को मैं रिकमेंड करूँगी कि तशखीस या डायग्नोसिस ना छुपाएं, क्योंकि मरीज़ को वक्त गुजरते इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है या कुछ सीरियस है, घर वाले भी परेशान हैं, इलाज भी लंबा चल रहा है, तो मरीज़ को कॉन्फिडेंस पे लेना, मरीज़ से शेयर करना और उसको इलाज का हिस्सा बनाने में मरीज़ के लिए आसानी हो जाती है कि वो उन चीज़ों पर खुल के बात कर सके, अपने इमोशंस अपने फिकरात का जिक्र कर सके, उससे ज़हनी सेहत में बेहतरी आने की गुंजाइश और कोशिश रहती है। साथ में अगर लगता है कि घर वाले या मरीज़ लंबा अरसा तनाव का शिकार हैं, 2 हफ्ता महीना, और वक्त के साथ तनाव बढ़ रहा है जिसकी अलामतों में नींद ना आना, बेचैनी होना, घबराहट होना, ऐसा महसूस होना कि दम घुट रहा है, या ऐसा कि चिड़चिड़ापन गुस्सा बहुत बढ़ गया है, हर छोटी बात पर रोना आ रहा है, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, मायूसी है, उदासी है, या ख़ुद को नुकसान पहुँचाने की सोचें आ रही हैं, ये सारे वार्निंग साइंस होते हैं जिसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, यानी किसी साइकाइट्रिस्ट से रुजू करें। ख़ुद से कोई नींद की दवाइयाँ, ख़ुद से गोलियाँ लेना बहुत नुकसानदेह हो सकता है और आपके इलाज को भी मुतासर कर सकता है, सो साइकाइट्रिस्ट को दिखाइए ताकि आपका इलाज प्रॉपर शुरू हो, और उसके साथ साथ जैसे मैंने सेल्फ हेल्प स्ट्रैटेजीज़ का जिक्र किया वो भी साथ में जारी रखिए। और आपको लगता है कि मरीज़ के अलावा बाकी लोग इर्द गिर्द के मुतासर हो रहे हैं, तो यही चीज़ उनके लिए भी करनी है कि वो भी साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं ताकि सब मिलजुल के हेल्दी भी रहें और चीज़ें जिस्मानी तौर पर जब इलाज चलता रहे तो बेहतरी की तरफ जाती रहें।